ना ना मैकेनिक का था है, मैकेनिक का था है, मैं बोल रहा हूँ मैकेनिक का था है। अरे अरे रुको 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 ना, मैकेनिक का था है। अरे इस खटारे को बेच डालो, मैं तो बता रहा हूँ इस खटारे को रखना ही नहीं है। इमोशन कुछ होता है? काहे का इमोशन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जा रही है? जी जी, जाइए। बाय। कैसे बेच दूं यार? गुड इवनिंग। तू कहाँ जा रहा है फिर? शीशे में उतारने। हेलो, मैं लड्डू। अच्छा, रोज अच्छे थे तुम्हारे। आपको कैसे पता कि मैंने रखा? 6 महीने से यहाँ पे आ रही हूँ रोज रोज, कुछ नहीं बदला है। अगर कुछ बदला है ना, तुमने ज्वाइन किया है। अच्छा एक काम करो, तुम दूसरे स्टाफ से बात कर लो, ये जो गलतफहमी है ना दूर हो जाएगी। अरे हम में और बाकी के स्टाफ में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अगर कोई करोड़पति बाप का इकलौता बेटा अपनी सारी धन दौलत सब कुछ छोड़कर यहाँ 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो तो उसके अंदर कोई ना कोई बात होगी ना। अच्छा, तू करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है लेकिन यहाँ मैं खुद करोड़पति हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? सॉरी। क्या सॉरी? मना किया था, माना नहीं। पड़ी बारह नंबर टेबल पर रख दो इसे। अरे मैं क्यों जाऊं? दीपक को बोलो जाने के लिए। क्यों क्यों दीपक को बोलूं? तुम जाओ, निकलो। लड़की ने थप्पड़ मारा है, गाल फूल गया है, इसलिए नहीं जाओगी। किसकी होती वहीं बैठे होते। उठाओ ट्रे, जाओ। ब्रेव मैन यार। चलो पकड़ो। ओ हेलो, हाय। लड्डू नाम है हमारा, नाम से बुलाइएगा। अरे बहुत जोर से लगी। नहीं, डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास जाना पड़ा, सॉरी। क्या सॉरी? कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड बच गया क्योंकि गुस्सा नहीं आया मुझे। अगर गुस्सा आता ना तो बहुत मार खाता मुझसे। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉस है। पापा ने कुछ बोल दिया, बात हमारे दिल पर लग गई और फिर हमने भी घर छोड़ दिया। लेकिन ये फैसला किया कि अपने दम पर खड़े होकर उनसे ज्यादा अमीर बनूंगा मैं। लड्डू, सब कुछ इतना आसान नहीं है। अपने डैडी को सॉरी बोल दो और उनकी कंपनी वापस ज्वाइन कर लो। तुम कॉफी बहुत अच्छी बनाते हो। कमाल है। तो करोड़पति बाप के इकलौते बेटे, झूठ के बुलंदे के साथ तूने शुरू की अपनी लव स्टोरी लाली के साथ। हाँ तो फिर और क्या करते? तुम्हारी तरह थोड़ी ना मुंह में चांदी का चम्मच डालकर पैदा हुए हैं। अरे लोहे के चम्मच पर सिल्वर कोटिंग करनी पड़ती है हमें। तो उसी लोहे के चम्मच से मुझे खिलाएगा? आगे बढ़। तू नहीं, तेरी कहानी आगे बढ़ा। एक दिन लाड़ी कैफे पे नहीं आई और अचानक से उसका कॉल आया कि हम 2 दिन के लिए दमन जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगले दिन उसका बर्थडे था तो मुझे लगा कि हम शायद बर्थडे ट्रिप के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब मैं मिला उससे वो बहुत परेशान थी। लड्डू, संदीप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्यों? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, 2 बच्चों का बाप है, अपनी बीवी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करना चाहता है। कमीना। इसी बात पर लड़ाई होगी और कंपनी छोड़। बिल्कुल अच्छा क्या? अरे रोज रोज का टेंशन तो खत्म हो तुम्हारा। संदीप के आधे से ज्यादा क्लाइंट्स मैंने ही बनाए, सिर्फ 50 लाख की जरूरत है ये नया बिजनेस शुरू करने के लिए। हाँ तो शुरू करते ना। अरे तुम लगाओ 50 लाख, बाकी मुझ पर छोड़। 50 लाख? लड्डू मेरे पास 50,000 भी नहीं है। मैं संदीप के लिए नौकरी करती थी, घर कंपनी का है, ये गाड़ी भी कंपनी की है। ये गाड़ी भी कंपनी की है? हाँ, मेरा मोबाइल भी कंपनी का है और वो उसका बिल भी कंपनी भरती है। और तुमने संदीप से लड़ाई कर ली? तुमसे एक हेल्प की जरूरत है। बोलो ना। अपनी ईगो को छोड़ के अपने पापा से 50 लाख रुपए मांग लो। चाहे वो लोन की तरह ले लो, हम लौटा देंगे जल्दी। मैडम ये कार्ड ब्लॉक है। क्या? हाँ 3 बार ट्राई किया। अरे अब क्या करें? पैसे हैं? मैडम आप अपनी कार आगे लीजिए, पीछे एक और कार है। हाँ एक सेकंड प्लीज, आप जल्दी कीजिए ना। 500 से क्या करेंगे? एक सेकंड सर, जाइए आगे जाइए।
अपने डैडी से क्यों नहीं बात करते हो? नहीं प्लीज लाली, मरवाएगी तो मुझे प्लीज। अरे किधर जा रहे हो? तू मरवाएगी मुझे। अरे सुन तो लो, फोन दो अपना दो ना। सुन मेरी बात तो सुन लाली, मेरी बात तो सुन। ओए लाली, किसको फोन कर रही है? तुम्हारे पापा को। ओए लाली, नहीं 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 लाली, लाली हे। हाँ लड्डू बोल बेटा। मैं आपकी बेटी की दोस्त लाली बोल रही हूँ। आप कैसे पापा हैं करोड़पति पापा? आप वहाँ बैठे ऐश कर रहे हैं और आपका बेटा यहाँ पे 8,000 की नौकरी कर रहा है, आपको शर्म नहीं आती? कौन करोड़पति? करोड़पति कौन है यहाँ? एक सेकंड आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। आपकी बेटी को 50,00,000 की जरूरत है एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए, आज ही अभी भेज दीजिए। 50,00,000? कहाँ से लाऊंगा मैं 50,00,000? ये हम आपको 6 महीने में लौटा देंगे, ये मेरी गारंटी। एक मिनट, ये रॉन्ग नंबर लगा है तुम्हारा। आप लड्डू के पापा है ना? मैं लड्डू का डैडी हूँ, वो राइट है, लेकिन ये करोड़पति वाली बात रॉन्ग है। मेरी तो साइकिल की शॉप है, मैं कहाँ से लाऊंगा 50,00,000? हेलो, पैसे का क्या हुआ मैडम? ये लीजिए, मालिक आएगा, चाबी आपके पास रखिए, वो पैसे भर के गाड़ी लेके जाएगा। ओके। हेलो। हाँ लड्डू। अरे भाई किसी लड़की का फोन आया था ये तेरे फोन पर से, और 50,00,000 की बात कर रही थी, 50,00,000 मांग रही थी। मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है कुछ? नहीं पापा, वो मजाक कर रही थी, मेरी दोस्त है। अच्छा दोस्त है। मतलब तुमने हमारे लिए बहू ढूंढ निकाली? हाँ। अरे वो है कहाँ की? मतलब माँ बाप कहाँ रहते हैं? बात चलाए उनसे? जी पापा, हम आपसे बात करते हैं, प्लीज बाय। कंपनी का फ्लैट छोड़ दिया मैंने, आज रात तेरे घर पे सो रही हूँ, कल सुबह निकल जाऊंगी। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा इधर रहता है। जो कुछ भी होना है ठीक से कह लो। मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। इधर ही नीचे सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पापा करोड़पति नहीं है, हम भी ठन ठन गोपाल है, मगर इतनी समझ तो है हमें कि एक लड़की की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारे साथ अकेले कमरे में सोने के लिए हमारा दिल हमें परमिशन नहीं दे रहा, हम ऊपर जा रहे हैं छत पर सोने। करोड़पति बाप का इकलौता बेटा छत पे सो रहा है। अब हमारे पापा करोड़पति नहीं है तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है, हमारे पापा की गलती है ना? गलती तुम्हारी डैडी की नहीं है, गलती तुम्हारी है, तुम झूठे हो। मैं भी एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। आई एम सॉरी। यही तो प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी। दो कमजोर लोग एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते, कम से कम एक के पास दूसरी की केयर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम भी कोशिश करो अगर कर सकते हो तो। बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को प्रेस करें।